सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज फिर आ चुके हैं हम दोनार बकरा मंडी में। जुम्मा का दिन है आज। आज की मंडी तो है नहीं, सैटरडे है, लेकिन आज से माल उतरना शुरू हो जाता है। ये धक्का गेट है। सो ये एक लॉट था अगवान गोट फार्म अशरफ भाई का। ये अभी जस्ट उतरा है, अंदर भी नहीं गया है। तो यहीं पर ही हम इसकी वीडियो, प्राइस, डिटेलिंग सब ले लेंगे। और अंदर उनका और भी माल था जिसकी डिमांड बहुत थी बकरियों की। मुझे भी कॉल पर्सनली आए थे, तो वो उसमें से ऑलमोस्ट बिक चुके, लेकिन फिर एक बार जो बची है वो मैं कवर कर लूँगा। फिलहाल ये सब जानवर है, आपको दिखा देता हूँ मैं, उनके प्राइस डिटेलिंग सब ले लेंगे। इसमें देसी गाउटी बकरी है बच्चे के साथ, कोटा में एक बकरी है, सोजत है। सो भाई, क्या प्राइस रेंज कैसा रहेगा अपना? भाई साहब, अलग अलग प्राइस के बकरे अपनी, जैसे दो बच्चे इसके साथ में, इसकी माँ भी है। हाँ, उसकी माँ भी है। ये दो बकरियाँ है। हाँ, उसकी माँ है, देखो ये। अच्छा, ये क्या दांत पोएगी अंदाजा तुम्हारे? ये बकरी चार दांत पे रहेगी भाई। चार दांत पे ना, तो माशाल्लाह अच्छा है फिर तो। ये दो बच्चे इसके साथ में। यहाँ से दिखा देता हूँ आपको, माशाल्लाह दोनों फीमेल है। तो भाई, क्या रेंज, क्या क्या प्राइस में देने का ये बकरी बच्चा दोनों? बकरी और उसके बच्चे दोनों 20,000 रुपये में देंगे। 20,000 में? इसमें कम ज़्यादा हो जाता है ना? कम ज़्यादा हो जाएगा, कम ज़्यादा हो जाएगा। और फिर ये जो बकरी आ रही है बड़ी फ्रेम की, ये भी वो लोडेड बकरी है। लोडेड है क्या है? गुजरी में है ये? हाँ, नहीं, ये कोटा क्रॉस है। कोटा क्रॉस है, कलर थोड़ा गुजरी है, लेकिन माशाल्लाह बहुत अच्छा कलर में। गाबन है ना ये? गाबन। ये कितने दांत पे होगी? चार। अच्छा, सब दो से? अच्छा, एक टाइम बच्चा दे चुकी है, फिर भी कंफर्म आप कर सकते हो आगे। सो ये कितने में देने का भाई? 20,000 देंगे। कम ज़्यादा हो जाएगा ना, 20,000 रुपये बहुत हो जाएगा। और बाकी ये बकरा है, बराबर, सही बात है। अभी 20 बोले तो कम से कम 15 तक तो आएगी, फिर 15 में बिक जाएगी। अच्छा अच्छा, चलो सही है आपका भी। और ये कोटा बकरी है? कोटा बकरी है, फिर वो बकरा इसके साथ में बच्चा है? ये दोनों बच्चे उसके ही। अच्छा, ये और ये दोनों बच्चे। पकड़ो जरा इसको, इधर लो बकरी को, बकरी को लो, बच्चे को भी मैं लेता हूँ। ये बकरी, इसके साथ में ये बच्चे, ये वाइट भी इसका ही है ना? हाँ, ये दोनों बच्चे। मेल फीमेल क्या दोनों है? मेल है, दोनों मेल है। सो ये कितने में आ जाएगा भाई तीनों? ये तो अलग अलग बेचेंगे भाई, बकरी अलग और बच्चे अलग, क्योंकि बकरे बड़े हो गए। अच्छा, तो क्या प्राइस में रहेगी बकरी खाली लेने आएंगे तो? खाली बकरी 15,000 रुपये की। 15? और दोनों बच्चे को ही लेता है तो? एक बकरे का 8,000 रुपये लगा दो। 8,000 जी, जो भी प्राइस बता रहे सब कम हो जाएगा ना? कम हो जाएगा, 1,000 कम, 1,000-1,500 कम हो जाएगा। 1,000-1,500 कम हो जाएगा। माशाल्लाह बच्चे बहुत अच्छे लगे मुझे, दोनों बकरी है ये। कोई लेके रख के खाली शौक करे तो बहुत अच्छी चीज़ है। और क्या बचा अपने पास इसमें? छोटा बकरा है बड़ा, सरकार नाम है उसका। इसका सरकार नाम है? क्या दांत पे ये? दो दांत पे भाई। इसको इधर लो ना भाई, थोड़ा साइड में लेके जरा इसको। सरकार खाली गंदा हो गया ये, बाकी इसकी कान वन की लेंथ। माशाल्लाह माशाल्लाह, कान की लेंथ वन पे। माशाल्लाह बहुत अच्छा। वजन में क्या आएगा? 45 तक क्या आएगा? 40-45 तक क्या आएगा? दो दांत है अभी, और कान की लेंथ भी मेरे हिसाब से 14-15। कितने का क्या मांग रहे भाई इसका? इसका मैं 25,000 रुपया बोल रहे हैं। हाँ, कम ज़्यादा हो जाएगा, कम ज़्यादा हो जाएगा, स्लाइटली होगा कि हो जाएगा, अच्छा खासा हो जाएगा, हो जाएगा ना। सो कुछ बचा है क्या? नहीं, सब हो गया ना? सब कवर हो गया भाई, सब हो गया। ये बकरी इसका 20 बोले ना आपने, ये भी बहुत बड़े फ्रेम की है और चार दांत। तो ये बकरी दिखा रहा था मैं आपको, ये भी माशाल्लाह अच्छे बड़े फ्रेम की है, गुजरी में है, बहुत अच्छे कलर की है, और गाबन बकरी है भी अभी। और इसका 20,000 रुपये मांगे तो वो भी नेगोशिएबल हो जाएगा, अच्छा खासा हो जाएगा, मतलब समझ लो 12-13,000 तक के मिल जाएगी बकरी। और ये थे भाई के इतने जानवर पूरे। तो जो कोई भी लेने में इंटरेस्टेड हो, मैं नंबर अगवान गुड फार्म अशरफ भाई का नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप ले सकते हो उनसे, कॉन्टेक्ट कर सकते हो। सो चलते अंदर, देखते कि और क्या माल है। फिलहाल ये धक्का गेट अभी खाली और माल उतर रहा है। सो अंदर चलते और देखते और क्या माल है और क्या प्राइस रेंज है। आइए चलते हैं। सो ये भी एक बाड़ा था, इसमें कुछ बकरियाँ हैं बड़े फ्रेम की, गंदी हो गई है खाली, लेकिन गुजरी में, सोजत में बच्चे, मक्का चीना में, वहाँ पर देखे बच्चा गुलाबी में है माशाल्लाह, ये वाला अच्छे फ्रेम का है वो भी, और ठीक ठाक जानवर थे ये बाड़े में भी। S4 गाल नंबर 7 टेंट शेड के सामने है। यहाँ पर भी कोई व्यापारी है नहीं, आज जुम्मा का दिन है।
सो अगर आपको आना है तो आप आके बातचीत कर सकते हो। मैं खाली जानवर दिखा रहा हूँ आपको कि कौन से बाड़े में अच्छे जानवर है, तो डायरेक्टली आप वहाँ पर आकर डायरेक्ट सौदा कर सकते हो, क्योंकि कल ऑलमोस्ट सब पट्टू का माल ही आएगा। सो एक ये बाड़ा हो गया और चलते आगे देखते हैं। सब सोल्ड आउट भाई, कितने में लिए आपने, कितने में लियो? माशाल्लाह गुजरी है। और सुरोही टकला और जो वाइट बैठा है वो भी है, अभी बिक गया, बिक गया वाइट, बिक गया और इसका 14,000। और जो गुजरी है वो सामने, वो हाँ साढ़े पंद्रह हज़ार अदन थे ना दोनों बच्चे। और गाल यूट्यूब के जी, यूट्यूब के। आपका फ़ोन नंबर है, कोई कॉन्टेक्ट नंबर है ना? अपना कॉन्टेक्ट नंबर यार बोलिए भाई, बोल दीजिए डायरेक्ट। 9326828219 1939 39। सिंगाड़े मामा। अपना बाड़ा S5। इसमें एक सिरोही है ये बच्चा, माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा मुझे पर्सनली एकदम, बहुत अच्छा। ये भी टकला और ये तो बिक चुका है बोल रहे हैं, गुलाबी में था, फिर भी दिखा देता हूँ मैं आपको। ये सिरोही माशाल्लाह, इसकी कमान वमान बहुत अच्छा है। और ये गुजरी, ये दो बकरे भी बिक चुके हैं। ये गुजरी मुझे बहुत पर्सनली अच्छा लगा, इसका कलर कॉम्बिनेशन। और ये सो इतने खास नहीं लगे मुझे ये वाड़े में, ठीक ठाक है सब। इधर के जानवर बहुत अच्छे लगे मुझे, चारों पर्सनली अच्छे लगे। S5 फिर से क्लोज करके दिखा दूँ, इधर धूप शाइन मार रही है। हाँ S5 और गाला नंबर 5। जो कोई भी लेने में इंटरेस्टेड हो, मुझे पर्सनली दोनों बच्चे बहुत अच्छे लगे। इसका शायद 14 कुछ बोले और 15 कुछ बोले। चलते आगे देखते हैं और क्या है। सो माशाल्लाह एक ये वाड़ा है, सिरोही अजमेरा S5 गाला नंबर 3। अच्छे फ्रेम के सिरोही गुजरी अजमेरा, बहुत अच्छे अच्छे बकरे इसमें माशाल्लाह। सो गाला नंबर दे दिया हूँ मैंने आपको, कल भी आपको ये यहीं पर मिलेंगे, शायद ये बंद जाए कल मंडी के हिसाब से, बट ये इधर ही मिलेंगे आपको। कोई व्यापारी है नहीं, बच्चे लोग दूध निकाल रहे थे, तो व्यापारी नहीं है, वरना मैं प्राइस रेंज पूरा आपको एक बता देता इधर का भी। माशाल्लाह सब एक से एक बच्चे इधर भी। ये वाला आप देखो अजमेरा, ये देखो आप माशाल्लाह, सब एकदम टॉप क्वालिटी में है सिरोही गुजरी के। तो जो कोई भी लेने में इंटरेस्ट हो इधर आ सकता है। सो जैसे कि मैंने कल दिखाया था अशरफ भाई के कल के जानवर, ऑलमोस्ट अल्हम्दुलिल्लाह इसमें से 90% माल बिक चुका है। सिर्फ एक आज जिसके गले पर रस्सी नहीं बंधी हुई है वो बचे हुए। ये माशाल्लाह एक हैदराबादी थी, ये भी बिक गई है। ये एक दूध की बकरी है, ये कोटा में भी बहुत अच्छी दूध की बकरी है, बिस्किट कलर में। माशाल्लाह माशाल्लाह सब एक से एक टॉप क्वालिटी जानवर है। पूरे दोनार में अकेले सोलो ही मेरे हिसाब से ये होंगे जिसके पास इतने क्वालिटी में जानवर है। जो बचे हैं उसमें भी एक आध का आज मैं प्राइस रेंज आपको बता देता हूँ, लोग बहुत डिमांड कर रहे थे प्राइस पूछने की। अभी कस्टमर्स में थोड़ा बिजी है अशरफ भाई, फ्री होते तो मैं एक आध का जो बचे हुए उनकी प्राइस जैसे मैं आती है इसका भी प्राइस मैं आपको आज अब भी बता देता हूँ यही वीडियो में। सो इसमें ऑलमोस्ट तो सब जानवर बिक चुके हैं, एक आध जो बचे उसका प्राइस पूछ लेता हूँ जिसके गले में रस्सी नहीं है। जैसे कि ये अशरफ भाई इसका क्या मांग रहे हैं? इसका अपन मांग रहे 22,000। 22,000 6 दांत पे है। लोड है, कन्फर्म लोड हैदराबादी में ना, लंबे कान। और जो प्राइस है भाई ये नेगोशिएबल हो जाएगा ना? नहीं सही बात, तो क्वालिटी दिख रही है, ये भी बची है ना, कंफर्म लोड है जो भी बोल रहा आप। चलो खाली निकली तो वापिस। पतीरा 20,000 गुलाबी में है ना? ये भी गुलाबी में, इसके साथ में बच्चा भी है। ये बिक गई है, इसका भी बहुत अच्छा। और ये मेवाती बकरी 24,000 की, ये भी गाबन है 14,000 की। ये मैंने चेक किया, दो या चार दांत की थी, दो दांत पे ना, 4 दांत की, ये दे दूंगा 12,000 में।
दूध वाली बकरी है भी। ये फीमेल है 18,000 रुपए की, बनोर की लोड है, ये ब्लैक एंड वाइट वाली भी लोड है। अच्छा सब सब लोडेड फीमेल ऑलमोस्ट अपने पास खाली है, छोटी वाली चारों। हाँ हाँ बड़ा बनोर है। और भाई कोई एक हैदराबादी बकरी थी वाइट आइज में, पब्लिक बहुत मेरे को पर्सनली कॉल करके बोल रही थी, कौन सी थी वो बोले एक बार दिखा देना, ये थी ना बिक गई है जिसकी बहुत डिमांड थी। पर्सनली मेरे पास भी कॉल आए थे वाइट आइज में, ये बिक गई है। सो जो जो बची थी सिंगल डबल को अपने प्राइस बता चुके ना, कुछ नहीं बचा, और वहाँ के जानवर भी अपन ने कवर कर चुके हैं। और एक वो चॉकलेटी कलर की वो है पंजाबी, पंजाबी ना, ये भी लंबे कान में है, वाइट आइज है ये भी, नॉर्मल आइज है ये भी, लंबे कान में गाबा नहीं है, नहीं ये खाली है, ये खाली है। फिर ये अपने होम ब्रेड की है, कोटा है, कोटा क्रॉस में है ये, 14,000 में देखिएगा, 14,000 में। ये भी दूध वाली बकरी है, छोटी बकरी है, बट है ये 7,000 की, ये दूध वाली बकरी है, 8,000। सब यही रेंज के है, ज़्यादा से ज़्यादा 20-22,000 तक की है ये भी, माशाल्लाह अच्छा वो प्राइस बोले इसका भी 22,000 रुपये हैदराबादी में। ये भी लंबे कान में, ये भी अच्छी है, वाइट आइज में। भाई एक बार हम नंबर अपना फिर से आप क्लियरली बता दो, 9930614289। और बाड़ा ये S3 3 नंबर, 3 नंबर काउंटर के बिल्कुल सामने। तो जो कोई भी लेने में इंटरेस्टेड हो डायरेक्टली कांटेक्ट कर ले भाई, मुझे कॉल मत करिए आप, डायरेक्ट अशरफ भाई से कांटेक्ट कर सकते हो आप, क्योंकि ऑलमोस्ट जानवर बिक चुके हैं और अभी और आएंगे ना। लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो, जजाकल्ला भाई, मेरे को करो फोन, आपको करो बराबर। और माल आ चुका है ना अपना भाई, बाहर आ गया, हाँ वो भी कवर हो गया है, पहले वीडियो के स्टार्ट में कवर हो गया। सो इंशाल्लाह आते रहेगा इनके पास तो माल। और भगवान एंटरटेनमेंट का चैनल भी है, वो भी सब्सक्राइब करिए आप, उस पर भी ये बराबर जो भी इनके पास माल आते हैं वो डालते रहते हैं। सो वीडियो को मैं यही एंड करता हूँ, कल इंशाल्लाह सैटरडे की मंडी है, कल भी आके इंशाल्लाह फिर से मैं सब जानवर दिखाऊंगा और जो जो उतरेंगे। सो वीडियो को यही एंड करते हैं। एक पंजाबी ये बकरी थी, ये पर्सनली बहुत अच्छी लगी, तो कोई लेना है तो मेरे को कांटेक्ट भी कर सकता आप इसके लिए, क्योंकि बहुत अच्छी मुझे पर्सनली लगी। मैं सिर्फ वैसे बात करूँगा, इसको शॉक करना मेरे हिसाब से 17 के काम हुई आसपास और रीज़नेबल प्राइस ही मांगे। सो वीडियो को यहीं पर ही एंड करते हैं, ऐसे और वीडियो अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।